capacitance storage stores energy in terms of electricity. तो कैपेसिटेंस का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जो अपने घर में बैटरी होती है जो इन्वर्टर के साथ आप कनेक्ट करते हो, जब पावर सप्लाई चली जाती है तो फिर आप उस बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने होम अप्लायंसेस को यूज करते हैं। जैसे कि बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है तो बैटरी में प्लेट्स होते हैं और वो प्लेट का फॉर्मेशन ही कैपेसिटेंस है, तो प्लेट्स के अरेंजमेंट को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। क्योंकि बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए आप वहां से सप्लाई के फॉर्म में वोल्टेज को ड्रॉ करते हो और फिर इन्वर्टर का काम है उस वोल्टेज को कन्वर्ट करना एसी में, क्योंकि हमारे घर के जो नॉर्मल सारे अप्लायंसेज है, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, बल्ब हो, फैन हो, ये सारे एसी सोर्सेज पर ही ऑन वर्क करते हैं। ठीक है, इसीलिए बैटरी की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर के हेल्प से और बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर। तो बैटरी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अस इन डे टू डे लाइफ एज अ कैपेसिटेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि रेजिस्टेंस की एबिलिटी, रजिस्टर एक टर्म होता है, रजिस्टर इज नाउन, तो उसके प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस के हेल्प से डिफाइन करते हैं। वैसा ही हमारे पास एक डिवाइस है कैपेसिटर, और इसके कैपेसिटी को या फिर इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर की बात करें तो इसका जो सबसे बेस्ट वन लाइन का डेफिनेशन हो सकता है, a combination of two metal या फिर conductor, combination of two metals or conductors, combination of two metals or conductors placed close to each other is called capacitors. कैसा भी combination of, इसका मतलब कि जो ये वाले combinations हमने use किए थे अभी तक जो question में हमने use किया है, this combination I would like to draw the combination again. यहां से देखो आप, तो ये combination of placing the two conductors very close to each other is called the capacitance. तो आप देख सकते हो कि बार बार जो मैं आपसे कह रहा था कि जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं यही आगे चल के कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर आप देख पाओगे। ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन क्या है, मैं इसको कह सकता हूँ इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर्स। तो इस कैपेसिटर को क्योंकि हमने प्लेट्स को पैरेलली अरेंज किया है इसलिए इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम का Obviously, इसके किसी भी स्ट्रक्चर का उसके नाम से रिलेशन जरूर होता है, तो इसीलिए पैरेलल प्लेट्स को आमने सामने रखा गया, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आप ध्यान में रखो। तो कहीं भी दो कंडक्टर को जब आप एक दूसरे के आमने सामने क्लोज टू ईच अदर प्लेस करते हो तो ये एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप देखना कि जो हमारा कंटेंट होगा इस चैप्टर के, जो कंटेंट हम डील करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूं। कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर देखिए क्या है कंटेंट में। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन
समझेंगे कि क्या होता है कैपेसिटेंस, किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, किन किन फैक्टर्स पर अपने को ध्यान रखना है, आखिर कैपेसिटेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें ये बनाना पड़ता है. तो वी विल फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन, देन वी विल स्टडी द कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर द स्ट्रक्चर. सो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जैसा कि आप रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते होंगे R equals to rho L by A, वैसा ही कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन को हमें स्टडी करना होगा. देन वी विल सी फोर्सेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, क्या फोर्स होते हैं, क्योंकि इन प्लेट्स पर जब चार्ज होगा तो हमें पता है कि चार्जेस विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. सो फोर्सेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. इसके बाद नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि हमारा देखो इंट्रोडक्शन ही है कि कैपेसिटेंस को हम एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की तरह डिजाइन करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली जो हमारा मूल इम्पोर्टेंट मेन फोकस है वो एनर्जी स्टोर्ड की तरफ होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, दिस थिंग. देन वी विल सी द एनर्जी डेंसिटी. आपको याद हो जहां कहीं भी हमने एनर्जी स्टोर डिफाइन किया है एक और पैरामीटर डिफाइन किया हमने उसके साथ साथ, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और उसे स्पेशल नाम हमने दिया है एनर्जी डेंसिटी. देन वी विल सी डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करी थी हमने और उसी पैरामीटर को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था, वैसा ही मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से पहले से जानते हैं. इसके बाद कैपेसिटेंस जो हमने ऊपर डिजाइन किया है उसका क्या असर होगा डाइलेक्ट्रिक के साथ. तो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन या फिर उसके अरेंजमेंट की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे कैपेसिटेंस में उसको स्टडी करेंगे. फिर ये जो कैपेसिटेंस होगा इस पर फोर्स क्या एक्ट करेगा, फोर्सेस ऑन डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक हम इसके आसपास या इसके इन बिटवीन रीजन में प्लेस करेंगे उस पर फोर्स क्या एक्ट करेगा. सो फोर्सेज ऑन डाइलेक्ट्रिक. And then already we have seen the charges distribution on the sphere. Now here we will see the charge distribution किसी भी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या होता है. जैसा कि अभी हमने लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ा था उसी को थोड़ा सा हम और एनहांस्ड वर्जन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में पढ़ेंगे और इसके बाद आखिरी में हम प्रॉब्लम्स करेंगे. ओनली प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स. इन बिटवीन भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, लेकिन एट द एंड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में. तो मैं इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करूँ, इंट्रोड्यूस करूँगा इस पूरे टॉपिक को, तो एक बार देखते हैं कि आखिर इसकी डिजाइन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, देखो क्या होता है इंट्रोडक्शन. आप लोग थोड़ा समझना इसको, ध्यान से फील करो. मेन मोटो मेरा क्या है, मैं एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में स्टोर करने के लिए कैपेसिटेंस को डिजाइन करता हूं. तो मेरे पास दो प्लेट होने चाहिए और उन प्लेट्स को हम अरेंज करेंगे. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है और इसके पास ही एक और प्लेट हमने ऐसा करके रखा, टू मेटल प्लेट्स, है ना, टू मेटल प्लेट्स प्लेस्ड नियर टू ईच अदर. तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस, है ना. हमारा डेफिनेशन यही है, कहीं भी दो मेटल प्लेट आमने सामने रख दो, आप घर में बना लो कैपेसिटेंस. तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस. लेकिन इस अरेंजमेंट का अभी कोई मतलब है नहीं. मतलब कब होगा, जब आप इसे चार्जेस दोगे.
जैसे कि मैंने इसको चार्ज दिया क्यू और इस प्लेट को चार्ज दे दिया माइनस क्यू, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और ये एक पूरा का पूरा क्यू जो है इस मेटल के, ऑब्वियसली चार्ज इनसाइड नहीं होते हैं मेटल के, आउटसाइड होते हैं, मेटल प्लेट हमने लिया है तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर को अपीयर हो जाएंगे। क्यों अपीयर हो जाएंगे? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसके सामने के मेटल प्लेट पर अवेलेबल है, इट कैन अट्रैक्ट ऑल द चार्ज टू द फेसिंग सर्फेसेस। अब क्या होगा, ये जो फेसिंग सर्फेसेस पर चार्ज का चार्ज अपीयर हो चुके हैं, इसकी वजह से क्या होगा? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जहां कहीं भी चार्जेज सेपरेट होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्टर का, क्योंकि हमने मेटल को किस, ये कैपेसिटर को किसके हेल्प से डिजाइन किया है, मेटल के हेल्प से, मेटल के हेल्प से डिजाइन करने का मतलब क्या है कि कंडक्टिंग मीडियम है ये, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर की एक खास प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, इट ऑलवेज कम्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जब इन मेटल प्लेट्स को आमने सामने चार्ज क्यू और माइनस क्यू गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बिटवीन द बिटवीन मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स। इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर पेनिट्रेट द मेटालिक सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर पेनिट्रेट, कैन नेवर पेनिट्रेट द मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड इन बिटवीन द प्लेट्स, इज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, स्टोर हो गया, कन्फाइंड बिटवीन द मेटल प्लेट्स, इज कन्फाइंड बिटवीन द मेटल प्लेट्स। तो इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो चुकी है। तो हमारा मोटो भी यही है कि डिजाइन करेंगे हम ऐसी डिवाइस के जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रख सके किसी पर्टिकुलर रीजन में। अब जब आपको इस यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब उस रीजन में कुछ एनर्जी है, आपको जब कभी भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर से इसको विड्रॉ कर सकते हो, इस एनर्जी को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तो डिजाइन हो गया, कैपेसिटेंस चार्ज दे दिया हमने, चार्ज के हेल्प से बिटवीन द प्लेट्स एनर्जी स्टोर हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए, हेंस द एनर्जी इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, हेंस द एनर्जी इज, हेंस द एनर्जी इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, stored in terms of electric field।
इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमने एनर्जी स्टोर की। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आखिरी के चैप्टर्स में बहुत आराम से आखिरी के टॉपिक को किया। अब देखना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो फील्ड लाइन्स है जो एग्जैक्टली इन बिटवीन द प्लेट्स है, जो थोड़ा भी लेफ्ट या राइट में डेविएट नहीं हो रहे, ये फील्ड्स तो एनर्जी को स्टोर करके रखने में 100% एफिशिएंट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इन फील्ड्स की वजह से, क्योंकि ये फील्ड क्या है, एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग में एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि सराउंडिंग में एक्सपोज हो जाने का मतलब दैट इज मे गेट लॉस्ट। ओके, ये एनर्जी जो भी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लूज हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है मीडियम में। तो कैपेसिटेंस का डिजाइन भी इसीलिए किया जाता है कि ये जो लॉस है इस लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, ये लॉस को ही मिनिमाइज करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि आखिर मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर, मुझे एनर्जी स्टोर कराना है, मुझे पता है कि दो मेटल प्लेट को यूज करेंगे, चार्जेस अगर उनके सर्विसेज को हमने प्रोवाइड कर दिया तो ये एनर्जी को स्टोर करें, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मैं किसी भी फालतू से स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी को स्टोर कराऊंगा तो उसका मेरे को प्रॉब्लम क्या होगा, तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा इस लॉस को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि to minimize these losses, to the surrounding में जो loss हो रहे हैं उनको minimize करने के लिए We construct some special structures, जहां कि हम इन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकेंगे, सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ये सबसे पहला अपना काम क्या है, कैपेसिटेंस की जो डिजाइन होगी वो क्यों होगी, क्योंकि जो लॉस हो रहा है इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते, इस लॉस को कहा जाता है यहाँ पर, इसे कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे इसको, कहा जाता है फ्रिंज, कहीं भी जब एज से लॉस हो, फ्रिंजिंग इफेक्ट। इसको मैं और भी अच्छे तरीके से इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को डिफाइन करूंगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे होंगे। फ्रिंजिंग इफेक्ट जो मीडियम में लॉस होता है बिकॉज ऑफ द एजेस ऑफ द स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो यहाँ से चीजों को हम आगे बढ़ाए तो सिर्फ जो है फ्रिंजिंग इफेक्ट को कम करने से काम नहीं चलेगा। देखो अब क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल, और अभी तो इंट्रोडक्शन है, इसको क्यों पढ़ना है हमें वो समझना है। तो सबसे पहले क्यों पढ़ना है, जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है इसकी वजह से जो लॉस हो रहा है इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कैसा भी दो मेटल ला करके आमने सामने रख देंगे, कैपेसिटेंस तो वो बन जाएगा लेकिन इसमें लॉस बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला अपना जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस लॉस को मिनिमाइज करें, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या वजह है और क्या किन किन चीजों पर हमें ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो कि ये दो मेटल प्लेट है, ये दो मेटल प्लेट हमने आमने सामने यहाँ पर,
ये दो के तरीके ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी आप फिलहाल समझो कि ये पैरेलल है, उन्हें दो मेटल प्लेट के अरेंजमेंट को यहाँ पर कंसीडर। तो क्या करना होगा हमें इन प्लेट्स के अरेंजमेंट। आपने इस प्लेट को चार्ज दिया क्यू और इसको, आपको पता है कि जब भी प्लेट्स आमने सामने होंगे तो फेसिंग सरफेसेस विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। फेसिंग सरफेसेस कंटेन और कैरीज इक्वल, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये हमें पता है पहले से, हमने ये प्रूफ भी किया ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो जैसे कि मान लो लेफ्ट सरफेस पर क्यू चार्ज है और राइट पर माइनस, तो होता क्या है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो ये पॉइंट वन है प्लेट का और ये पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन प्लेट्स के बीच का वो किस पर डिपेंड करेगा, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड विद द सेपरेशन। इस पर बेस हमने दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी किए हैं ऑफलाइन क्लास। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन पर, ये हमें पता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से। अगर ऐसा है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के आसपास यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अगर मैं इस सेपरेशन को बढ़ाऊं, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन को मैं इंक्रीज करता हूं, इफ सेपरेशन इंक्रीजेस, सेपरेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, दैट इज कि आप इस डी को इंक्रीज कर रहे, डी इज इंक्रीजिंग। जब आप इस डी को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज, दैट हेंस द डेल्टा वी व्हिच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने का मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान से समझना, यही हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इन्हीं सारे पॉइंट्स पर बेस्ड हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आप क्या डिफाइन करते हो, चार्ज मल्टीप्लाइड विद द जितने पोटेंशियल को वो फेस करता है। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे आपने सेपरेशन बढ़ाया है वैसे वैसे डेल्टा भी इंक्रीज हुआ है, और यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं एज डेल्टा भी इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी विद आल्सो इंक्रीज, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने से अपने को क्या क्या परेशानी है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक है, एक बार वो देखते हैं। तो हमने मेटल प्लेट की बात करी, यहां पर ये दो मेटल प्लेट लिए और फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं कि सेपरेशन को हमने इंक्रीज कर दिया, दिस इज द केस वन। केस वन में हम क्या कर रहे हैं, इस सेपरेशन को इंक्रीज किया, ये है केस वन। सेपरेशन को इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा फाइनल आउटकम क्या आता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, किसकी, चार्जेस की ऑन द प्लेट। जो चार्ज हमने इन प्लेट्स को दिया है पॉजिटिव चार्ज, अब मान लो कि मैंने एनर्जी इतनी इसमें
इतने सेपरेशन मैंने इसके बढ़ा दिए कि एनर्जी जो है सफिशियंट हो गया चार्जेस के पास कि चार्ज मूव कर जाए एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर. दैट इज इफ यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाय सफिशियंट अमाउंट increases by sufficient amount that charges will start leaving the metal surface. Charges will start leaving the metal surface. अगर ऐसा कुछ हो जाए कि U इतना ज्यादा हमने इंक्रीज कर दिया कि यहाँ से चार्ज मूव करके इधर को चले जाए या फिर इधर से चार्ज मूव करके यहाँ को चले जाए तो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो प्लेट के बीच का रीजन है जिसमें कि अभी स्पेयर है. आवाज नहीं आ रही क्या राजीव तेरे को, प्लीज आवाज नहीं आ रही तो बताना, आवाज नहीं आ रही तो बताना, अगर ये पूरी चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो भी बताना मेरे को. पोटेंशियल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा कि चार्ज जो है वो प्लेट्स को छोड़ के दूसरी प्लेट पर जाने लग जाएंगी, तो रिजल्ट इसका क्या होगा, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स विल बिकम कंडक्टिंग. मीडियम बिटवीन द प्लेट्स विल बिकम कंडक्टिंग. राजीव बताओ क्या परेशानी है, आवाज नहीं आ रही या फिर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है. मीडियम बिटवीन द प्लेट्स विल बिकम कंडक्टिंग, अगर कहीं भी मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है तो क्या कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, नहीं. कंडक्टिंग मीडियम में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो. तो जिस पर्पस के लिए हमने बनाया था कैपेसिटेंस वो पर्पस ही डिस्ट्रॉय हो गया. मतलब कि पर्पस था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इलेक्ट्रो एनर्जी को स्टोर करने की, पर्पस इज नॉट अकम्प्लिश्ड. My internet is a bit slow. Please, आप इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे. दो तीन चार मिनट बचा है लेक्चर में, एक बार मैं इस मोटो को थोड़ा कवर अप कर देता हूँ. The purpose is not achieved. जो हमारा पर्पस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एनर्जी को स्टोर करनी है वो हम लॉस्ट कर देते हैं. तो चलो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, चार पांच मिनट बचे होंगे या फिर लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आज इतना ही रहेगा, लेकिन अपने पास समय बचा है. अब ध्यान दो, मैं पूरा रिपीट करता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है. इतना सारा मैंने डिस्कशन किया है, ये चल क्या रहा है. एक बार मैं थोड़ा रफ है, ये स्लाइड जो रफ मैंने लिखा है इसका नोट्स नहीं बनाना. रफ में क्या है कि एक ये मेटल प्लेट है मेरे पास, मैंने इनको चार्ज दे दिया क्यू पॉजिटिव और इसको चार्ज दे दिया माइनस. ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे क्योंकि जो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करके अपने पास रखेंगे. अब क्या होता है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सेपरेशन, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है. सो इफ द सेपरेशन इज डी लाइक दिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का ई है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इक्वल्स टू ई इनटू पी. अब मैंने केस वन में आपसे क्या कहा कि आप इस सेपरेशन को इंक्रीज कर दो, सेपरेशन को मैं बढ़ा दू तो इससे क्या होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द चार्ज मल्टीप्लाइड विद डेल्टा बी। इसका मतलब क्या है, अगर इन दो प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, सेपरेशन बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो ये चार्ज क्या होगा कि मान लो इस सरफेस को लीव करना स्टार्ट कर दिया, चार्जेस इस सरफेस को छोड़ के मीडियम में आना शुरू कर देंगे, जिस वजह से ये मीडियम क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। और एक बार ये मीडियम कंडक्टिंग अगर हो गया तो फिर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एनर्जी स्टोर करने की बात कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से हमें यह ध्यान रखना है कि सेपरेशन के बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, जो कि हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। हम नहीं चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, तो हमें इस बी को थोड़ा ध्यान से सेपरेशन को एक लिमिट तक ही हम इंक्रीज कर पाएंगे। इस सेपरेशन पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, इस लॉस को मिनिमाइज करना है, है ना, इस लॉस को मिनिमाइज करना है जो फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से आते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के टाइम में हमें ये ध्यान रखना है कि सेपरेशन को बहुत ज्यादा हम इंक्रीज ना करें। अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये बीच का जो मीडियम है ये कंडक्टिंग हो जाएगा, जिस वजह से एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी। तो ये केस वन की स्टडी है। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दो मेरे को, तुम लोग लेक्चर छोड़ छोड़ के जाने लग गए यार, तुम लोग क्या मतलब कंटिन्यूटी नहीं है तुम्हारे में। यहाँ पर मैं इतने सिंसियर तरीके से बैठा हुआ हूँ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। राजीव, आर यू देयर इन द लेक्चर? क्या एनी डाउट पूछने का तरीका? ओके फाइन ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा से इन चीजों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। परेशान नहीं होना है, चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, मैं ऐसा आपको डायरेक्टली एक लाइन में नहीं कहूंगा कि ये बहुत आसान है। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू गाइस टुमारो। रोहित, डाउट पूछो, आपको क्या पूछना है? मैसेज तो करते ही नहीं हो तुम लोग। क्या डाउट पूछ रहे हैं रोहित? हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना आपको। ठीक है चलो, ठीक है फिर आज हम यहीं पर एंड करते हैं।